वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्या ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप्स को। तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है। तो अब इसके लिए इस क्वेश्चन में टी इक्वल टू 9 mm थिकनेस दी गई है, ना कि डाया दिया। तो यदि डाया दिया जाएगा तो फार्मूला क्या होता है, 6√t। लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल दिया गया, थिकनेस टी दी गई है, तो रूट टी आएगा। तो रूट टी की रूट 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 6 × 3 18 mm। इसी यम इक्वल टू 1.5d तो कितना आएगा, 27 mm। यच इक्वल टू 0.7d, यच इक्वल टू कितना आएगा, 12.6 mm। लेंथ इसकी कितनी होती है, यल इक्वल टू 1.6d तो कितना आएगा, 28.8 mm। पी इक्वल टू 3d, 3 × 18 54 mm। बैक पिच क्या होती है, 2d + 6 mm तो कितना आएगा, PB 42 mm। अब ये आपका फिगर बना हुआ, तो एक ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। तो यहाँ से इस सेंटर तक की दूरी कितनी है, यम है। फिर इस सेंटर से रिविट के इस सेंटर से रिविट के इस सेंटर तक की दूरी कितनी है, PB। फिर इस सेंटर से इस सेंटर तक के बीच की दूरी कितनी है, PB। फिर इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यम। यम इक्वल टू 1.5D। अब यहाँ से हेड के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, यल। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, एच। ये एंगल हमारा कितना है, 80 डिग्री, UDL एंगल, जो ककलिंग एंड फ्लडिंग में था। और ये रिवेट का डायरा कितना है, डी है। अब ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है, ये हमारी एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेशन लाइन है। अब इसके बाद यहाँ पे ये बना हुआ है आपका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अपर प्लेट से, क्योंकि हमें देखने पे अपर प्लेट से देखने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। लेकिन हमें पता है कि और भी सर्कल बनेंगे, तो हमने एक लाइन में तीन सर्कल, यहाँ पे तीन सर्कल, इस लाइन पे तीन सर्कल बना लिए। अब यहाँ से हमारी क्या है, अपर प्लेट, ये अपर प्लेट है हमारी, और इसके क्या है, ये लोअर प्लेट है। तो लोअर प्लेट हमने यहीं से प्रोजेक्शन लिया, ये बना दिया। अपर प्लेट हमें यहाँ पे बना दी, टॉप से देखने पे हमें ये अपर प्लेट दिखाई देगी। तो यहाँ तक हमें क्या दिखाई देगा, ये पार्ट हमारा हिडन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन प्लेट हमारी है, अपर प्लेट है। यहाँ पर अपर प्लेट नहीं है, तो लोअर प्लेट है, तो लोअर प्लेट की लाइन यहाँ से आई और ये अपर प्लेट की लाइंस आ गई। तो अब इसको बनाना देखते हैं ड्राइंग शीट पे, ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। तो जब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो डेटा हमारे पास क्या क्या है, डेटा हमारे पास क्या क्या है, गिवेन टी इक्वल टू 9 mm, टी इक्वल टू 9 mm दिया गया है हमें। डी इक्वल टू कितना आया है, 18 mm। यम इक्वल टू हमारे पास कितना है डेटा, यम इक्वल टू डेटा हमारे पास 27 mm है। यच इक्वल टू डेटा कितना है, 12.6 mm। एंड यल इक्वल टू 28.8 mm। पी इक्वल टू 54 mm। एंड PB इक्वल टू बैक पीस इक्वल टू 42 mm। ये हमारे पास डेटा हमें मेंशन है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको हम बनाना बनाते हैं ड्राइंग शीट पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक लाइन खींची, सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, ये जो प्लेट की लंबाई है हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लेट की लंबाई हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये लाइन हमने खींच ली, लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया कि इस यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, कहाँ पर, यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया कि मुझे क्या करना है, यहाँ से हमें अपर प्लेट जो बनानी है यहाँ से बनानी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये करना है कि यम की दूरी लेंगे, यम हमारा कितना आया है, 27 mm। 27 mm के बाद हमारी बैक पिच स्टार्ट होगी, तो बैक पिच हमें कितनी दी गई है,
बैक पिच हमें दी गई है 42 mm, तो 42 mm मुझे कुछ यहाँ पर मिला, 42 mm मुझे कुछ यहाँ पर मिला। फिर यहाँ से मेजर किया तो 42 mm मुझे यहाँ पर मिला, क्योंकि हमें इसमें 3 रिविट लगाने हैं। फिर इसके बाद मार्जिन लाइन कितनी आएगी, 27 mm, तो 27 मुझे यहाँ पर मिला। तो अब इसके बाद 27 मुझे यहाँ पर मिला, ये हमने बना लिया। और इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, इस लाइन को कुछ कट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इस लाइन की लंबाई हम कुछ भी ले सकते हैं, कितनी भी लंबी हम लाइन को ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लाइन ले ली और इस पॉइंट से अगेन 27 mm मैंने मीजर कर लिया। अब इसके बाद इस पॉइंट से, ये जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से 9 mm की हमें थिकनेस दी गई है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन लाइट खींच ली। अब इस लाइन को, ये जो हमारी प्लेट की लाइन है, तो इसी को रेफरेंस लेते हुए मैंने एक दूसरी लाइन खींच ली। इस तरह से लाइन खींचने के बाद मैंने इसी लाइन को, वर्टिकल लाइन को रेफरेंस लिया और इस पॉइंट पर आए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक और लाइन खींचनी है। एक प्लेट तो हमने बना ली, एक दूसरी प्लेट भी बनानी है। तो उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर है, दूसरी यहाँ तक आएगी, तब इसके बीच में 3 रिविट्स लगेंगे। जैसे इस तरह से कि मैंने एक प्लेट मान लिया, दूसरी प्लेट ये है, अब इसके बीच में 3 रिविट लगाना है। तो यहाँ से इतने भाग में मार्जिन, इतने भाग में मैंने मार्जिन दे दिया। इसके बाद यहाँ पे एक रिविट, यहाँ पर एक रिविट, यहाँ पर एक रिविट, और इतने भाग में मार्जिन देने के बाद प्लेट की हमारी लंबाई चली जाएगी। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि यहाँ से, इस पॉइंट से 9 mm की थिकनेस हमें ले लेनी है, क्योंकि थिकनेस सेम रहेगी, 9 mm की थिकनेस ले लिया। अब इसके बाद इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए हमने लाइन को आगे खींचा। इस तरह से अब इसके बाद इसको रेफरेंस लेते हुए हम कहाँ पर आए, मार्जिन वाले पॉइंट के सेंटर पर आए। इस तरह से एक लाइन लंबी, फिर डॉट, फिर लंबी, फिर डॉट, फिर लंबी, फिर डॉट, फिर लंबी लाइन, फिर डॉट, फिर लंबी लाइन, फिर डॉट, फिर लंबी लाइन, डॉट। तो इस तरह से हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन ले ली पहले रिविट के लिए। अब इसके बाद हमें यही प्रोजेक्शन लेके दूसरे रिविट के पॉइंट पर गए, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन। इस तरह से हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिए। इस तरह से हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इस पे हमें एंगल देना है। तो एंगल देने के लिए मैंने क्या किया कि ये चांदा है, तो यहाँ से क्या किया हमने 80 डिग्री का एंगल बना लिया इस तरह से। और 80 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहाँ से इस तरह से मैंने क्या किया, एक डार्क लाइन खींच दी। डार्क लाइन खींचने के बाद ये जो लाइन थी पहले वाली, इसको जब कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से भी हमें क्या करना है, 80 mm लेना है इधर से भी। तो 80 डिग्री पे मैंने क्या किया, इस तरह से लाइन खींच मिलाई और इस तरह से मिलाया, इस तरह से, और यहाँ से इसको हटा दिया, और यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। तो अब इसके बाद हमें इस पे क्या मिलेगा, अब इसके बाद इसको मैंने हटा दिया, जब कर दिया।
तो हमारा क्या है, ये एक टेपर लाइंस आ गई। टेपर लाइंस का मतलब है कि जब भी कोई भी लोड पड़ेगा तो ये UDL को सपोर्ट करेगा। और ये हमने इस तरह से दिखाया है कि यहाँ पर क्या है कि किसी सीट से कटा हुआ भाग है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, डाया लेना है। तो डाया कितना हमें दिया गया, 18 mm। तो 18 mm दिया गया, तो 9 mm लेफ्ट पे, 9 mm राइट पे, 9 mm लेफ्ट, 9 mm राइट, तीनों सेंटर पॉइंट्स पर। ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से इस तरह से लाइन से खींचेंगे, इधर से भी, तीनों रिविट्स के डाया हम बना लेंगे। बनाने के बाद अब इस पे हेड बनाना है हमें, और इसकी हाइट हमें पता है, तो हेड हमारा दोनों तरफ बनेगा। तो अब इसकी हाइट हमें कितनी दी गई है, हाइट 12.6 mm। तो 12.6 mm दी गई है, तो मैंने क्या किया कि 12.6 mm की हाइट ले ली, ऊपर भी नीचे भी ली, इधर भी नीचे ले ली, इधर ऊपर ले, इस तरह से। अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, हाइट भी मिल गई है। अब हमें क्या शो कराना है इस पर, अब इस पर हमें सिर्फ हेड बनाना है। तो अब इसके लिए लंबाई हमें दी गई है, लंबाई हमें कितनी दी गई है, लंबाई हमें दी गई है 28.8 mm। तो कितना लेंगे हम, सेंटर पॉइंट से 14.2 mm, 14.4 mm एंड 14.4 mm, कहाँ तक, लेफ्ट एंड राइट, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ। लेफ्ट में भी एंड राइट में भी, इधर लिया लेफ्ट में, इधर लिया राइट में, इधर लेफ्ट में, इधर राइट में, इधर लेफ्ट में, इधर राइट में। तो ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो दूरी है सेंटर से, सेंटर से ये जो L/2 की दूरी है, ये मैंने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद इस पॉइंट से, हाइट वाले पॉइंट से आर्क लगा दिया इस तरह से, हाइट वाले पॉइंट से आर्क लगा दिया। इस तरह से आर्क लगा दिया। अब आर्क लगाने के बाद हमें क्या करना है कि अब इसका हेड बनाना है, रिविट्स का अब हेड बनाना है। तो हेड बनाने के लिए क्या करेंगे कि अब यहाँ से ये जो आर्क लगाया था हमने, ये जो हमने आर्क लगाया था, तो ये जो आर्क हमने, आर्क वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब हमें इसमें हेड बनाना है। तो जब अब इसमें हमें हेड बनाना है, तो हेड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो आर्क लगाया है, तो आर्क की दूरी इस तरह से यहाँ से ली हमने, इस तरह से ली दूरी। तो अब यहाँ से
हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, यहां से भी यहां से भी। तो हमारे हेड बन गए ऊपर के, अब नीचे के हेड बना दें। इस तरह से हमने हमारे हेड बन गए। अब हेड बनने के बाद हमें क्या करना है, इस पे सेक्शनिंग कर देनी है। तो सेक्शनिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 45 डिग्री पे सेक्शनिंग कर देंगे। ये सेक्शनिंग जो होगी 2 से 3 mm के गैप पे होगी। अब अपर प्लेट की सेक्शनिंग आपने जिस तरह से की है, तो अब जस्ट इसी के अपोजिट आप कैसे करोगे लोअर प्लेट में सेक्शनिंग, इस तरह से। इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। अब इस पर क्या करेंगे, डायमेंशन इंडिकेशन करेंगे। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने क्या किया कि एक लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद यहां से इस सेंटर तक के बीच की दूरी m इक्वल टू 1.5D। अब इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक दूरी PB इक्वल टू 2D प्लस 6। अब इस सेंटर से इस सेंटर तक PB इक्वल टू 2D प्लस 6। अब इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी m इक्वल टू 1.5D, इतनी हो जाएगी हमारी दूरी। अब इसके बाद यहां तक के बीच की लेंथ कितनी होगी, यल, ये यल है। अब इस पे हम देखते हैं कि यहां तक की हाइट, यहां तक हाइट ये हमारी यच होगी। तो और यहां से यहाँ तक ये हमारा डी होगा, डाया जीवित, डाया डी। अब इस जीवित डाया डी, अब इसके बाद यहाँ पर अब लाइन्स को डार्क कर देते हैं।
अब देखते हैं कि ये हमारा जीवित का फ्रंट व्यू बन गया। अब इसके बाद इस पर क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना। तो अब टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, अब टॉप व्यू बनाने के लिए हम इस पर प्रोजेक्शन लेंगे। तो वो प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, तो सबसे पहले एक यहाँ से रेफरेंस लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर दिया। अब इसके बाद प्रोजेक्शन हम अपर, ये हमारी यहाँ तक ये हमारी क्या है, थिकनेस है टी, यहाँ से यहाँ तक टी, ये हमारी है अपर प्लेट, ये हमारी है लोअर प्लेट, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। अब बात करते हैं कि ये अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट क्या प्रोजेक्शन भी हमें लेना है और प्रोजेक्शन लेके हमें बनाना भी है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि प्रोजेक्शन लिया इस तरह से, इस पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लेंगे, इस पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लेंगे और फिर एंड पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लेंगे एंड इसी को रेफरेंस लेते हुए हम इस पॉइंट पर आए और इस तरह से प्रोजेक्शन, और इस तरह से प्रोजेक्शन हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या कर, जब आप इसको फ्रंट व्यू को टॉप से देखोगे इस प्लेटों को, तो टॉप से देखने पे आपको एक दो तीन ये जीविट्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम एक जीविट्स भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, मतलब उस लाइन पे कितने जीविट्स लगे हुए हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बना रहे हैं। अब इसके बाद जब टॉप से आप देखोगे तो आपको ये अपर प्लेट पूरी दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक अपर प्लेट आपको दिखाई देगी, इसके बाद ये भाग लोअर प्लेट का भी हमें दिखाई देगा और इसके बाद हमें यहाँ से ये टेपर पार्ट्स भी दिखाई देगा, इसका एंगल कितना है 80 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल कितना है 80 डिग्री। तो अब ये हमारे एंगल हो गए। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और जो अपर प्लेट हमें दिखाई देगी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर नीचे की प्लेट हमारी क्या है, नीचे की प्लेट की थिकनेस कितनी है 9 mm, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9 mm पर एक रेफरेंस लाइन अगेन खींच लेंगे, इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से हमने एक लाइन खींच ली। तो ये क्या है कि ये हमारी एक रेफरेंस लाइन का काम करेगी और फिर ये यहाँ से हमारी ये रेफरेंस लाइन है, ये हमारी मैंने मान लिया कि रेफरेंस लाइन थी, ये हमारी एक्स एक्स लाइन थी है, ये हमारी एक्स एक्स लाइन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लाइन्स है हमारी, ये जो लाइन्स है, तो अब इसको हमें शो कराना है कि कहाँ क्या होगा। तो अब इसके बाद ये जो दो लाइन्स है हमारी ये, तो ये हमें जब टॉप से आप देखोगे तो ये तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इमेजिन करोगे कि ये हैं तो ये लाइन्स हमारी हिडन आएंगी, तो ये लाइन्स हमारी हिडन आ जाएंगी और हिडन से आ जाएंगी और ये कहाँ पर मिलेंगी जाके, टॉप व्यू लोअर प्लेट के साथ। तो ये हमारी लोअर प्लेट का प्रोजेक्शन हो गया और यहाँ से ये हमें हटा देना है और ये जो लोअर प्लेट वाली लाइन आई है ये भी हट जाएगी, इस तरह से हमारा
डब्ल्यू बनेगा। अब यहां से ये जो लाइंस आएंगी डार्क आएंगी, इस तरह से। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, लाइंस को आगे इंक्रीज कर लेंगे। तो जब लाइंस को हम इंक्रीज कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, तो ये जो प्रोजेक्शंस ले रहे हैं, प्रोजेक्शंस हमने सभी जगह का ले रखा है, तो अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस लाइंस को इंक्रीज कर देंगे। पॉइंट लंबी लाइन, 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 इस तरह से हम करेंगे इसको भी। तो सभी का हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरह। लंबी लाइन पॉइंट लंबी लाइन पॉइंट लंबी लाइन पॉइंट लंबी लाइन पॉइंट लंबी लाइन, इसका भी ले लेंगे। पॉइंट लंबी लाइन 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 पॉइंट, ये हमारी क्या है, प्रोजेक्शंस लाइंस हैं। अब इसको भी हम इंक्रीज कर लेंगे, इस तरह से इंक्रीज कर लिया। अब इसके बाद ये जो लाइंस आएंगी हमारी, ये हिडन आएंगी, दोनों लाइंस हमारी हिडन आएंगी, क्योंकि टैप से देखने पे हमें नहीं दिखाई दे रहा और टैप से देखने पे ये हमें दिखाई दे रही हैं। ये इस तरह से हमारी हिडन लाइंस आ जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से ये हमारी हिडन लाइंस आ जाएंगी। तो अब इसके बाद ये हमारी कौन सी प्लेट होगी, ये हमारी अपर प्लेट है, ये हमारी अपर प्लेट, और ये वाली लाइंस जो है हमारी लोअर प्लेट, लोअर प्लेट है। अब इसके बाद इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे, मार्जिन कितना 1.5D का लेंगे, और फिर इसके बाद हमें कितना है पिच लेना होता है, तो पिच कितनी लेंगे, पिच कितनी लेंगे हम, पिच कितनी लेंगे, P=3D। तो अब हमने क्या किया कि इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया है, तो जब मार्जिन ले लिया है तो अब हमें इसमें टॉप व्यू में सर्कल बनाना है। इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्या वर्क परफॉर्म करना है, तो अब देखते हैं कि वर्क हमें क्या करना है, कि अब इस पर हमें सर्कल्स बनाने। जब आप टॉप से देखोगे तो हेड की आपकी लंबाई दिखाई देगी, जो भी हेड की हमारे लंबाई दी गई है, जो भी हमें हेड की लंबाई दी गई है वो हमें दिखाई देगी। तो लंबाई का मेजर हम कहाँ से करेंगे, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी हेड की लंबाई आएगी, इस तरह से। इस तरह से ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और इस तरह से ये हमारी लंबाई आएगी हेड की। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे,
इस तरह से सर्कल बन गया। फिर दूसरा सर्कल भी बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर यहाँ पे तीसरा सर्कल भी बनाएंगे, फिर यहाँ पर तीसरा सर्कल भी बनाएंगे, इस तरह से। फिर इसके बाद इधर से भी सर्कल बनाएंगे, इस तरह से। फिर सर्कल, एक और सर्कल बनाएंगे, फिर एक और सर्कल इस तरह से ही बना देंगे। तो कितने पे आएगा, इसकी डाया कितना आएगा, 14.4 mm। इस तरह से ये हमारे सर्कल्स बन गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब डाया का सर्कल भी शो कराना है। तो डाया का सर्कल कितना है इस पे, 18 mm डाया है, तो रेडियस कितनी आएगी, 9 mm। तो डाया का सर्कल हमें शो कराना है, तो कुछ इस तरह से हम शो करा देंगे। डाया का सर्कल जो आएगा हमारा, वो इस तरह से हिडन आएगा। फिर यहाँ से भी जो डाया का सर्कल आएगा, तो वो हमारा हिडन आएगा। तो इस तरह से हमने बना दिया डाया का सर्कल, इस तरह से हमने बना दिया सभी में। तो ये हमारा क्या बन गया कि ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट है। तो डाया हमारा कितना दिया गया है, डाया हमारा 20, डाया हमें 18 mm दिया गया है। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 9 mm। तो ये जो अंदर वाला सर्कल बना हुआ है, ये इसका डाया कितना है, इसका डाया है 18D का डाया का है। तो डाया हमारा कितना है, 18। और ये कितने डाया का है, 1.6D। अब इसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को हमने मैच कराया, इधर इन तीनों को पॉइंट्स को मैच करा दिया, इधर इन तीनों पॉइंट्स को मैच करा दिया। मैच कराने के बाद मेजरमेंट लिख दिए तीनों के, ये क्या है हमारा यम इक्वल टू 1.5D। यहाँ से यहाँ तक क्या है, PD पी इक्वल टू 3D पीछे है हमारी, ये हमारी पीछे है, पी इक्वल टू 3D। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पी इक्वल टू 3D। तो हर जगह यही आएगा। अब बैक पिच क्या है हमारी, यहाँ से इस रिविट के सेंटर से इस रिविट के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, PB। और सेम इधर भी हो जाएगी इस तरह से, ये PB बैक पिच। अब इसके बाद इसको पैक करते हैं। तो पैक करने के लिए हमें नीचे 1.5D लेना होता है मार्जिन। तो अब पैक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से 1.5D जहाँ पे मिल रहा है, तो
यहीं से हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे। इस तरह से हमने पैक कर दिया। और फिर इसके बाद ये जो लोअर है तो इसको यहाँ से 9 mm नीचे आए, 9 mm नीचे आए, और यहाँ से 9 mm को भी पैक कर दिया और बाकी सारी लाइन्स को हटा दिया। तो अब ये जो पैक किया है तो अब इस पर क्या होगा, इस ये मार्जिन के बराबर होती है। तो ये जो लाइन्स हमारी है इस तरफ, तो यम इक्वल टू 1.5D, ये है मार्जिन। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारी अपर प्लेट थी, ये हमारी लोअर प्लेट थी, और ये यहाँ से पर हिडन ही आएगी पूरी। और इस तरह से हमारा ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप बन चुका है। अब आपको जो कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।